मुझे ऑफर्स आए हैं बट अभी तक ऐसा कुछ नहीं जो आई हैवन डिसाइडेड विच फिल्म आई विल डू येट. हिंदी फिल्मों के भी आई हैव चॉइसेस ऑफ सिक्स रियली इंटरेस्टिंग फिल्म्स एंड आई हैव चॉइसेस ऑफ टू रियली इंटरेस्टिंग फिल्म्स देयर आल्सो बट मैं सारी नहीं कर सकती अनफॉर्चुनेटली. सो आई एम बाय जनवरी आई डिसाइड विच वंस आई कैन डू. इट्स अ वेरी हार्ट ब्रेकिंग डिसीजन. तो सारे डॉक्टर सेम होते हैं क्या? पर्सनैलिटी नहीं होती अगर आपने यूनिफॉर्म पहन लिया? सारे आर्मी ऑफिसर सेम हो गए अगर आपका, सारे जर्नलिस्ट सेम हो गए, ऐसे थोड़ी ना होता है. आभा इज अ कैरेक्टर, शी इज अ पर्सन. एंड आभा की खासियत मेरे लिए ये है कि जब वो वर्दी पहनती है वो आर्मी नहीं बन जाती, वो तभी भी औरत है. वो बिंदी पहनती है, वो लिहाज से तमीज़ से बात करती है, उसको गाली गलौज करने की ज़रूरत नहीं. एट द सेम टाइम वो बहुत ऑनेस्ट और स्ट्रेट फॉरवर्ड है. तो शी इज़ अ डिफरेंट पर्सन. मैं दूसरे इंस्पेक्टर से कंपेयर नहीं करूँगी क्योंकि आई थिंक एक जॉब से आप जनरलाइज नहीं कर सकते कैरेक्टर को. आई थिंक जब भी किसी आर्टिस्ट का देहांत होता है दुनिया भर में, आर्टिस्ट का देहांत कभी हो ही नहीं सकता क्योंकि वो सेल्यूलॉइड में पोस्टेरिटी के लिए ज़िंदगी भर, हमेशा हम सब की ज़िंदगी, आगे जाके वो हमेशा याद रहेंगे. साधना जी उनकी इतनी इम्पैक्टफुल रोल्स के लिए, साधना कट के लिए, जो मुझे याद है मेरी मम्मी मुझे लेकर गई थी जब मैं आई थिंक 7-8 साल की थी कि इसको साधना कट दो, उनके स्टाइल के लिए, उनके फेमिनिन फैक्टर के लिए वो हमेशा याद रहेंगी. और आई थिंक उन शी वॉज एन एसेट. जिंदगी तो ख़त्म होती है लेकिन एक आर्टिस्ट कभी ख़त्म नहीं होता. लास्ट क्वेश्चन, अभी भी ऐसा कोई ड्रीम है जिसे प्रियंका पूरा करना चाहती है, चाहे वो रियल लाइफ में या फिर कोई ऐसी इच्छा है, जैसे एंबिशन है जिसे प्रियंका पाना चाहती? मेरे एंबिशंस कभी नहीं होते हैं. मैं डेस्टिनी में बहुत बिलीव रखती हूँ और मैं हार्ड वर्क में बहुत बिलीव रखती हूँ कि अगर अपॉर्चुनिटी आई अपनी तो हार्ड वर्क को कोई डिनाई नहीं कर सकता. मैं ना तो एक एक्टर के तौर पे जानना चाहती हूँ अपने आप को, अब मैं एक अचीवर की तरह जानना चाहती हूँ. लोग मुझे जाने कि इसने ज़िंदगी में अचीव किया, इसने एक लेगेसी छोड़ा, अब वो कहाँ लेकर जाएगी ज़िंदगी, आई डोंट नो. कभी एज अ प्रोड्यूसर यू थॉट लाइक मे बी एज अ सिंगर देन यू आर एन एक्टर, कभी एज अ प्रोडक्शन में जाने के लिए या मे बी एज अ डायरेक्शन आल्सो? डायरेक्शन तो नहीं होगा भैया मुझसे, वो बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी का काम है. प्रोड्यूसर मैंने अपना प्रोडक्शन हाउस खोला है, इट्स कॉल्ड पर्पल पेबल पिक्चर्स. और मैंने आई थिंक लास्ट ईयर भी आप लोगों से कहा था कि आई वॉन्ट टू वर्क विथ न्यू टैलेंट, I want to push, you know, नए टैलेंट, नए राइटर्स. क्योंकि जब मैं फिल्म इंडस्ट्री में आई थी तो मैं किसी को जानती नहीं थी और फुटहोल्ड मिलना बहुत मुश्किल होता है, और जो भी बाहर से आते हैं लोग उनको एक यू नो ब्रेक मिलना बहुत मुश्किल होता है. सो आई एम एंड आई ऑल्सो वॉन्ट टू प्रमोट रीजनल सिनेमा. तो मैं 3 रीजनल फिल्म पर काम कर रही हूँ और 2 हिंदी फिल्मों पर काम कर रही हूँ. एंड सून आई मेक अनाउंसमेंट. हाई, मैं हूँ प्रियंका चोपड़ा और आप सबको मेरी तरफ से वेरी वेरी मैरी क्रिसमस एंड हैप्पी न्यू ईयर. Thank you. Thank you. Thank you.